जिला महिला चिकित्सालय में आने वाली महिलाओं का समुचित इलाज किया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने बताया कि जिला महिला चिकित्सालय में जो महिलाएं ओपीडी में आती हैं उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। इसके लिए महिला चिकित्सालय में गायनेकोलॉजिस्ट 8 सहित लेबर रूम में डॉक्टर की अलग से ड्यूटी लगाई जाती है। अस्पताल में आने वाली महिलाओं का समुचित इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर 100 महिला के ऊपर एक डॉक्टर है। यहाँ पर प्रतिदिन 300 महिला आती हैं। उनके बैठने के लिए प्रतीक्षालय हॉल बनाया गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर जल्द ही एसी लगवा दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने कहा, डॉक्टर अलग अलग विधा के हैं, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट को सोचें तो 8 है, लेबर रूम में अलग अलग ड्यूटी लगती है, रोस्टर है, रोस्टर के मुताबिक एक डॉक्टर की ड्यूटी लगती है, जैसे प्रति शिफ्ट एक डॉक्टर। गर्भवती महिलाएं जो जैसे आती हैं दिखाने के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए सारी व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से कहा गया है। व्यवस्थाओं में हम लोग अभी वृद्धि कर रहे हैं धीरे धीरे। जो वेटिंग टाइम जो है उस दौरान महिलाएं कितनी कंफर्टेबल रहेंगी, अभी उस पर काम चल रहा है। अभी उनके वेटिंग एरिया में पहले 2 पंखे होते थे, अब 5 कर दिया गया है, और वेटिंग हॉल को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एसी हो जाए, ताकि उन लोगों को अब 2 या 3 डॉक्टर बैठती हैं, करीब 350 महिलाएं आती हैं, तो एक डॉक्टर के ऊपर लगभग 100 महिलाओं का बोझ हो जाता है। तो अब ये तो संभव नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट में सबको देख दिया जाए, तो कम से कम जो इंतज़ार का समय है उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा सुखद बनाया जा सके, क्योंकि पेट में बच्चा लेके खड़े रहना ये दिक्कत वाली चीज़ है।